नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी वालों को झुलसाने लगी गर्मी, लखनऊ में 40 पार पहुंचा पारा। कैसा रहेगा अगले 5 दिनों का मौसम? उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को लखनऊ में दिन का तापमान पहली बार 41 डिग्री तक पहुंच गया। आलम यह था कि सुबह 10 बजे से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को खूब परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक रात का पारा 4.7 डिग्री उछाल के साथ रिकॉर्ड 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सिलसिला अगले 5 दिनों तक चलने की संभावना है। 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक यूपी के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। धूप और तेज गर्म हवा के थपेड़े से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इस महीने के आखिरी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार हो सकता है। वहीं अगले 6-7 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम शुष्क रहने के कारण किसानों को फसल कटाई के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। इस बीच करीब 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक रहेगा। पश्चिमी विक्षोभन की वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई समेत पूर्वांचल के किसी भी जिले में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं प्रयागराज और झांसी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 42 और 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गोरखपुर में 39 डिग्री, बहराइच में 39 और फुर्सतगंज में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।